सत्संग जी प्यार से बोलिए धनकार जी। आज सत्संगत युग प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी के विचारों को, जो उन्होंने छोटी छोटी पर मोटी बातों के तौर पे सत्संगत को संबोधित करते हुए समझाया था, उन शब्दों को दास आपके चरणों में रखता है, आशा है प्रमाण करेंगे। प्यार से बोलिए धनकार जी। एक भक्त के मन में सदा दूसरों के यशोगान की भावना बनी रहती है। भक्त कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखता। गुरसिक सदा दूसरों के गुण ही देखता है, वह इन्हें धारण करते करते गुणवान बन जाता है। भक्त के पास कितनी भी शक्ति आ जाए, वह इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए वह कभी अत्याचार नहीं करता, बल्कि सदा सत्य की राह पर ही चलता है और नम्रता के घर में रहता है। जीवन के हर पहलू में अनुशासन और व्यवस्था के साथ ही अमन, एकता व शांति कायम रह सकती है। यदि हृदय विशाल हो तो संकीर्णता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। देश, संस्कृति, भाषा, जाति पाति, खान पान व पहरावे के भिन्न भेद समाप्त हो जाते हैं। सारा संसार अपना लगता है, लेकिन यह विशालता केवल विशाल निराकार प्रभु को प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। गुरु के बिना गुरसिख नहीं हो सकता। यदि गुरु भी देह में हो तभी यह संबंध जुड़ सकता है। बाहर से तो सतगुरु भी एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देता है, परंतु एक साधारण मनुष्य का दिल अपने दुख के कारण दुखी व सुख के कारण सुखी होता है, जबकि सतगुरु का दिल पूर्ण मानव जाति व मानव मात्र के दुख को अनुभव करता है। उन्हें आत्मिक ज्ञान देकर अस्थाई सुख आनंद प्रदान करता है। परमात्मा से जुड़े रहने का भाव है सिमरन, सत्संग व सेवा से जुड़े रहना। जैसे गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता, उसी तरह से वैर ईर्ष्या को कभी वैर ईर्ष्या की भावना से नहीं बदला जा सकता। नफरत और वैर की भावना को केवल प्यार से ही जीता जा सकता है। जैसे माता अपने मन में अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव रखती है, यदि बच्चा उसकी गोद में पेशाब आदि भी कर दे तो घृणा नहीं करती, बल्कि तुरंत ही उसे साफ करके बच्चे को फिर गोद में बिठा लेती है। इसी तरह से सतगुरु अपने गुरसिखों के जीवन को प्यार के साथ संवारता और सिंगारता है। जिसकी कथनी और करनी एक शुभ और परोपकारी होती है, वही सच्चे संत होते हैं। संत बोलते कम हैं और कर्म ज्यादा करते हैं, इसलिए दुनिया का हर इंसान उनका आदर भी करता है और पूजा भी। कर्म सदा ही सामाजिक मर्यादा व अनुशासन में रहकर ही करना है और हर प्रकार के दिखावे से बचना है। दुनिया के किसी भी भाग में कोई भी काम करने को मिले, पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। भक्ति, निराकार और सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और दृढ़ विश्वास का नाम है। जो गुरु का आदेश नहीं मानता और गुरु की आज्ञा से बाहर होकर कर्म करता है, उसे गुरसिख कहलाने का हक नहीं। गुरसिखों की निशानी कोई ऊंचे ऊंचे बोल बोलना, धड़ल्लेदार भाषण देना या सुरीले गीत गाना नहीं, बल्कि गुरु के आदेश का हर हाल में पालन करना है। मुनि को स्वीकार करना अथवा समर्पण का अर्थ यह नहीं कि जब जय जयकार हो, स्टेज पर बैठने का अवसर मिले तब तो सब ठीक है, परंतु यदि थोड़ा सा इसके उलट हो जाए तो मन भड़क उठे। गुरसिख तो वही होता है जो हर बात को समभाव से स्वीकार करे। भक्त की निंदा भी हो तो वह परेशान नहीं होता, बल्कि इससे वह अपने सुधार का कारण मानता है। एक फलदार वृक्ष सारा साल फल नहीं देता, जब वह फल दे रहा होता है उस समय दरअसल वह अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। उसी प्रकार पतझड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं, सूखे पत्ते पेड़ सूखे दिखाई देते हैं, और तब भी वह धरती से जुड़ा होता है और धरती में पूरी शक्ति होती है, उस शक्ति को खींचकर वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार
गुरसिख को जब भी कोई कठिनाई का समय आता है तो वह उस समय सतगुरु और निराकार के चरणों में जुड़ जाता है और अंतर सुधार करने लगता है। जिसके 10-20 सहारे होते हैं वो तो डामाडोल हो ही जाते हैं, क्योंकि वह फैसला ही नहीं कर पाते कि किसका सहारा ले, किसका ध्यान करे और किसकी सेवा करे। इसके विपरीत जिसका केवल एक निराकार सतगुरु होता है वह कभी नहीं डगमगाते, एक की ओट एक का सहारा लेते हैं और एक की सेवा करते हैं। वे निश्चिंत होकर सोते और जागते हैं। सादगी व दीनता दास भावना के आभूषण होते हैं। भक्त चाहे किसी राजा महाराजा के घर पैदा हो, वातावरण के अनुसार सभी ठाट बाट व सुख सुविधाओं का आनंद भी ले, फिर भी हृदय में सरलता नम्रता से परिपूर्ण व दास भावना के धनी होते हैं। वह सरलता सादगी व दीनता नहीं छोड़ते। सत्संग कोई बिरादरी का एकत्रीकरण नहीं होता, न ही एक ऐसे देश के वासी अथवा एक तरह की खुराक पोशाक या बोली बोलने वालों के समूह का नाम है। सत्संग तो केवल वही कहलाता है जहां एक निरंकार प्रभु को जानने वाले मिल बैठकर हरि यश गाएं। सभी के साथ ध्यान अपने प्रभु व सतगुरु के चरणों से जुड़ा हो। भक्त को यदि कोई दुख भी दे तो भक्त उसे ऐसा नहीं कहते कि तेरा बुरा हो या निराकार तेरे से बदला ले आदि, क्योंकि भक्त जानता है कि यदि उसे पीड़ा देने वाला दुखी हो गया तो भी दिल तो इस निराकार का ही दुखी होगा, क्योंकि भक्त के लिए कोई बेगाना नहीं होता। एक सांसारिक वृत्ति वाला मनुष्य सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट चिंतित व निराश रहता है। कभी अपने भाग्य को तो कभी अपने प्रभु को कोसता रहता है। शिकवा शिकायत करना उसका स्वभाव बन जाता है। एक भगत गरीबी में भी हो फिर भी, अमीरी में हो फिर भी, हर हाल में प्रभु का शुक्र अदा करता है, शिकवा नहीं करता। पदार्थ के घटने बढ़ने के कारण अपने आत्मिक आनंद को घटने नहीं देता। यही उसके जीवन की सुंदरता होती है। भक्त को माया कभी छल नहीं सकती, बल्कि भक्त ही माया को छल लेते हैं। इसके बाद करने से पहले ही चेतन हो जाते हैं। भक्त वही बन सकता है जो अपने आप को बच्चे बच्चे का दास समझे। उसमें नम्रता होती है, अभिमान नहीं होता। परंतु आज दुनिया अभिमानी बन चुकी है। हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है।